फ्रेंड्स, राजस्थान जीडीएस की जो वैकेंसी हैं वो निकल चुकी हैं। 3262 टोटल पोस्ट हैं जिसके फॉर्म्स कल से फिल होने स्टार्ट हो गए हैं 22 जून से, और जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई। तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टोटल पोस्ट हैं वो 3262 पोस्ट हैं। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, लेकिन आप आगे वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं सब दूंगा इसमें। तो ये टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, EWS की 278 है, OBC की 348 है, PWD की 4 कैटेगरी बना दी गई हैं। तो चारों कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी हैं। UR की 1527 हैं, SC ST की अलग। तो टोटल 3262 सीटें हैं। अब बात करेंगे हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो इसके लिए 10th पास, मतलब आपको क्या है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। उसी के पासिंग मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। क्योंकि इसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट निकलती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें अपने जो बेस्ट 4 हैं उनके मार्क्स डाल देने हैं, और एक लोकल लैंग्वेज उसमें मार्क्स में लोकल लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए। मान लो राजस्थान से आप फिल करते हैं तो हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आप उसमें क्या है, हिंदी के भी मार्क्स डालने होंगे। और आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी RSCIT का आपको आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। या फिर RSCIT नहीं है तो आपके पास CCC का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर जो ये भी नहीं है तो आपके अगर जो 10th तक मतलब एक सब्जेक्ट एज ए आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। या फिर कोई और कोर्स हो आपने उसका सर्टिफिकेट ले रखा हो तो वो भी क्या है, एलिजिबल हो गया आप उसके लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें कि क्या आपकी जो उम्र होनी चाहिए, तो इसके लिए जो आपकी उम्र रखी गई है वो 18 से 40 साल के बीच में आपको होना चाहिए 22/6/2020 तक। मतलब इस डेट तक आप 18 से 40 के बीच में हो, ठीक है। इसके बाद अगर जो आप 18 साल के होते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो शेड्यूल अगर जो आप शेड्यूल कास्ट से हैं, SC ST कास्ट से हैं, तो आपको 5 ईयर की इसके अंदर क्या एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। OBC के लिए भी 3 साल की है, और आप PWD के लिए भी देख सकते हैं 10 साल की, 13 साल की, 15 साल की। और जो EWS है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप इनको क्या नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका पे स्केल क्या होगा। तो जो BPM है, BPM की जो पोस्ट है उसके लिए, BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र के आसपास आप लगते हो। और अगर जो लेवल 2 पे आप लगते हो कोई शहरी क्षेत्र में, तो आपको 14,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और अगर जो आप ग्रामीण डाक सेवक लगते हो तो आपको कितने, 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और शहरी क्षेत्र के लिए आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। तो आप क्या है, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, और उससे क्या है, आप देख सकते हो कि कहाँ आपको कितने रुपये मिल रहे हैं। वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि अजमेर में आपको किस पोस्ट की जो ब्रांच है, ब्रांच वाइज दिया हुआ है कि किस ब्रांच में आपको कितने पैसे मिलेंगे, किस ब्रांच में आपको आपका पे स्केल क्या होगा। तो आप वो क्या है, सब फिल करके आप देख सकते हो, मतलब उस पर डाउनलोड करके, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की। तो आपको क्या है, GDS में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको appostal.gov.in पे जाना होगा, और क्या करना होगा, ये जो उसका होम पेज आप खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेंटर में दिख रहा है Stage 1 रजिस्ट्रेशन, तो आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको क्या अपना नाम बताना है, पेरेंट्स नेम वगैरह सब कुछ आपको बताना है, और क्या उसमें फॉर्म जो है वो पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे क्या है, एक OTP या पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा, और वो उसके बाद आपको क्या है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल देने हैं उसमें, अपने 10th में कितने मार्क्स हैं A to Z ये कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आप क्या है, फीस पेमेंट कर देंगे। तो फी पेमेंट करने के बाद क्या है, आप क्या है, अगर जो आपके पास ऑनलाइन फ़ी पेमेंट नहीं है तो आप क्या है, लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज में क्या है, जाके भी क्या है, वहाँ पे भी 100 रुपये जमा करा सकते हैं। अब फीस क्या है, OBC EWS जनरल के लिए 100 रुपये, और बाकी सब के लिए क्या है,
₹0, मतलब नील फॉर्म है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹100 फिल ही करने पड़ेंगे और बाकी के लिए क्या है, फ्री है। और इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी क्या है, सेम ही प्रोसेस है, आप फिल कर सकते हैं। और जो स्टार्टिंग डेट है वो इनके लिए पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं 8 तारीख से, और एंड डेट 7 तारीख है, मतलब नेक्स्ट मंथ की। जनरल कैंडिडेट अगर जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके अगर जो अबव 90% मार्क्स हैं तो ही फॉर्म फिल करें जनरल और ओबीसी, वरना क्या है आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो यही है कि अबव 90% इसकी कट ऑफ रहती है, मेरिट लिस्ट 90% से ऊपर वालों के लिए रहती है, तो 90% से अबव कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी जितने भी हैं वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि फीस नहीं लग रही तो आप क्या है फिल कर सकते हैं। वैसे एससी एसटी की कट ऑफ भी लगभग 80 से अबव ही रहती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा आपको इसके बारे में चाहिए तो आप क्या है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको आंसर तुरंत कमेंट में दे दूंगा। और किसी के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या है उसके लिए ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।